फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं हूँ मोहम्मद उरूज, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का टीचर। और सेकंड लेक्चर में जो हम टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे वो रहेगी विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी और एक आपकी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो एक्चुअली हम लोग विस्कोसिटी को डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग सिंपली विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में आए कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी, तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की डिफिनेशन लिखेंगे तो वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर उसमें पूछ रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो आपके लिए आपको मैं बताऊंगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती क्या है, उसमें आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो बेसिकली विस्कोसिटी क्या है, देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड। तो बेसिकली विस्कोसिटी जो है वो डिफाइन होती है एक प्रॉपर्टी के तरह, फ्लूड की एक प्रॉपर्टी ही है विस्कोसिटी, जो ऑफर करती है रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, सिंपली रुकावट टू द मूवमेंट, किसमें, मूवमेंट में, मतलब वाटर के मूवमेंट में जब वो रुकावट पैदा करती है, तो रेसिस्टेंस पैदा करती है मूवमेंट में, किसकी, फ्लूड की लेयर्स के बीच में, वन लेयर ऑफ द फ्लूड टू द अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड। तो हाँ, हमने आपको विस्कोसिटी की डिफिनेशन बताई, इसको आप एक फिगर से समझ सकते हैं। जैसे कि सिंपली क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पानी आप जब फ्लो कराते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पानी होता है यहाँ पर सबसे पहले इस एरिया पे आने पर पानी यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि ये सरफेस से रुक जाते हैं, इनकी मतलब कि ये रेसिस्ट करती है उनके फ्लो को, तो ये पानी थोड़ा स्लो चलता है। फिर उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ा और तेज चलती है, फिर उसके ऊपर की और ज़्यादा तेज चलती है, फिर उसके ऊपर की और तेज चलती है। तो सिंपली क्या होता है, जब इनिशियली आप यहाँ से पानी फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे पानी बिल्कुल आपके प्लेट पे चिपक जाती है। जैसे मान लीजिए आप ये सरफेस है, यहाँ आपने पानी डाला, तो एट द इनिशियल पॉइंट यहाँ पर आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो होगी यू इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो रहेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, इसको हम लोग नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं, ओके। फिर देन उसके बाद इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। सपोज करिए यहाँ पे वेलोसिटी आपकी यू है और फिर कुछ टाइम बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी, जो कि है फाइनल वेलोसिटी, जितनी आप स्पीड से पानी को निकाले थे उतनी स्पीड से पानी बहेगा, जो कि हो जाएगी यू प्लस डी वी। सिंपली आप ये फिगर देखिए, इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, इसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं इस फिगर को। देखिए इसमें यहाँ पे डेरिवेशन में आपने लिखा हुआ है कि व्हेन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूड अ डिस्टेंस डी वाई अपार्ट, जब दो लेयर है फ्लूड की, एक लेयर ये है एक लेयर ये है, और इनकी डिस्टेंस बीच में कितनी है, डी वाई अपार्ट, मतलब ये डी वाई डिस्टेंस है इनके बीच में, मूविंग वन ओवर द अनदर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, दोनों मूव कर रही है अलग अलग वेलोसिटी से, ये जो लेयर ये वाली है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और जो दूसरी लेयर है वो है वेलोसिटी यू प्लस डी, जिसको हम लोग वी वी भी लिख दिए हैं, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी काज अ शियर स्ट्रेस, इन वेलोसिटी के जो वेरिएशंस हैं इनके वजह से पानी के ऊपर एक शियर स्ट्रेस लगेगा, जनरेट होगा, जो कि फ्लूड के लेयर्स के बीच में अकर होगा, ओके। याद है, समझ में आया आप, ओके स्टूडेंट। जो जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसके चेंज में प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस पे भी प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है वो। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल आपका आ जाएगा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब ये टाउ क्या है, टाउ ही जो है हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं इसको, हम लोग टाउ से शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाउ को अगर देखा जाए तो ये प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू, ओके। और इसी म्यू को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, और सिंपल इसको हम लोग विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जो म्यू होता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, यही है सिर्फ और सिंपल सिंपल तरीके से यही आपकी है डायनेमिक विस्कोसिटी। और ये जो डी यू बाई डी वाई है, अब ये आप सोच सकते हैं कि ये सर ने जो डी यू बाई डी आई डी वाई रखा हुआ है ये क्या है। तो सिंपली अगर हम डी यू बाई डी वाई को देखा जाए तो ये सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं शियर स्ट्रेन, या फिर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। तो अब तो समझ में आ गया, हमने फॉर्मूला निकाल लिया, अब हमें इसकी यूनिट कैसे पता चलेगी। तो हम लोग की इसकी जो एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की, वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई रिपीट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं।
अब सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है आपको, डायरेक्ट एसआई यूनिट ना दे करके आपको सीजीएस यूनिट भी दे देगा। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? होती है पॉइज, और एक और होती है सीजीएस, इसको बोलते हैं हम लोग डाइम सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो क्वेश्चन में जब आपको दे देगा सीजीएस यूनिट में, तो लेकिन आपको आंसर तो निकालना पड़ेगा एसआई यूनिट में। तो आप पॉइज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में? तो सिंपल, इसका एक फॉर्मूला होता है, वन पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सिंपल फॉर्मूले में पॉइज को न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूले का वैल्यू पुट करोगे और आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये हम लोग की टोटल हो गई डायनेमिक विस्कोसिटी। अब सेकंड जो आता है आपका, आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूड। ये पॉइंट नोट करिएगा। देखिए, आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी पर ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिपेंड कर रही है। मींस आपके फॉर्मूले में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आज से आप डिफिनेशन में देख सकते हैं कि जो रेशियो है किसका है, डायनेमिक विस्कोसिटी का। मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूड। इसको हम डिनोट करते हैं किस फॉर्मूले, किस सिंबल से? एक ग्रीक सिंबल है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू, न्यू से डिनोट करते हैं। और हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी किससे करते हैं? न्यू से। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या आ गया? न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। और सिंपल, इसकी एसआई जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसकी भी एक सीजीएस यूनिट होती है। क्वेश्चन में अगर सीजीएस यूनिट दे देगा तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी, ये जान लीजिए पहले आप। जो इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैंने गलत बोल दिया, आप थोड़ा देख लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ओके, सॉरी फॉर दैट। और देखिए, और जो सेकंड जो होता है आपकी, इसको हम लोग स्टोक्स भी बोलते हैं। अब इस, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया सीजीएस यूनिट में, अब आपको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। जैसे 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, तो ये आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर सीजीएस में दी है तो आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, तो आपका जो आता है थर्ड टॉपिक वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स का लॉ विस्कोसिटी के ऊपर, सिंपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब ये क्या कहता है? कह रहा है कि इट स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस टाउ, शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ, ऑन अ फ्लूड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सिंपल, ये कह रहा है कि जो आपका टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। अब शियर स्ट्रेन मैंने बताया था क्या होता है, du/dy। तो सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे फिर यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी लग जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। सिंपल, ये सिंपल एकदम है, आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए, इसमें एक नोट करिएगा पॉइंट, जो फ्लूड्स जो ऑबे करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, मतलब इस फॉर्मूले को जो फ्लूड फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड, और जो इस फॉर्मूले को ऑबे नहीं करते उन्हें सिंपल क्या कह देंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड कह देंगे। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे न्यूटोनियन फ्लूड क्या होता है, वाटर। वाटर जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करता है, इसीलिए बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है, न्यूटोनियन फ्लूड है। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या हो जाएंगे, आप इसे कस्टर्ड हो गया, कस्टर्ड आप घर पे खाते ही होंगे, इसे सिंपल, आप इसे घर में आपके मम्मी बनाती होंगी कस्टर्ड, तो सिंपल जो आप कस्टर्ड खाते हैं वो क्या है, वो एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये तो सबको जानता है, ये तो डेली जो बच्चे ब्रश नहीं करते उन्हें भी करना चाहिए। सिंपल, जो आपका जो टूथपेस्ट होता है वो क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड होता है। हाँ, तो समझ में आ गया आप लोगों को, न्यूटोनियन फ्लूड क्या होगा, जो कि न्यूटन्स लॉ को ऑबे करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड हो जाएगा आपका जो ऑबे नहीं करेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, न्यूटोनियन फ्लूड है। और आपका कस्टर्ड और जो टूथपेस्ट है वो एग्जांपल है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड का। अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तो और बेल बजा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मत कहिएगा कि सर आपने लेट वीडियो डाला, इसमें आपकी गलती हो जाएगी। अगर बेल रहेगा तो पास चल जाएगा सर ने कब वीडियो डाला है। ओके, तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और दूसरी, देखिए आपका लास्ट टॉपिक जो आता है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ क्या खेल खेल रहा है विस्कोसिटी। सिंपल, ये उसका वेरिएशन बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा विस्कोसिटी पे, बढ़ेगा कि घटेगा, ये सिंपल आपका इसमें पता चल जाएगा। तो जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो डिक्रीज होती है और टेम्परेचर के बढ़ाने पर। ओके, लिक्विड की डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, वाइल विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
और गैस की विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से। तो सिंपल यहाँ पे आपको मैंने एक बना देता हूँ बॉक्स, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ आप देख सकते हैं कि लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, और गैस की विस्कोसिटी जो हो रही है इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। अब इसका देखिए आपने तो मैंने बता दिया, अब आप सोचोगे कि ये हो क्यों रहा है, तो इसका एक भी रीजन है। देखिए आप जो जो फ्लूड होते हैं, दिस इज, देखिए मैं पढ़ देता हूं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द विस्कस फोर्स इन फ्लूड आर ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स एंड मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। जो आपकी फ्लूड में जो विस्कोसिटी होती है या विस्कस जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है और मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से होता है। इन लिक्विड्स में जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंट करते हैं, मतलब किसके ऊपर भारी पड़ते हैं, मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर के ऊपर। तो कोहेसिव फोर्स में ड्यू टू द क्लोज पैकिंग मॉलिक्यूल एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस, कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होता है, आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और गैस में क्या होता है, ये उल्टा बिल्कुल अपोजिट होता है लिक्विड का। गैस में क्या होता है, जो मॉलिकुलर मोमेंटम जो ट्रांसफर होता है वो प्रीडोमिनेंट करता है किसका, कोहेसिव फोर्स को। सो जब आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है इंक्रीज होता है और आपकी जो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक हो गया फिनिश, थैंक यू। फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजा दें, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।